here. In the meantime, we have the director of the film, Mr. Prakash Jha, here with us. And we have one of the leading actors from the film, Mr. Manav Kaur, is also here with us. So, media ke bandhuon, isse pehle ki hum aapko gaana sunaye, aap agar koi sawal jawab karna chahe, to please, by all means, feel free to ask any questions. I will be standing right here. आप चुन लीजिए, आप सवाल करना चाहते हैं या जवाब देना चाहते हैं? गाने की खासियत ये संयोग की बात है, संयोग की बात है कि जो गाना हम आज लॉन्च कर रहे हैं ये हमारे फिल्म का ओपनिंग सॉन्ग है. इट एक्चुअली सेट्स द मूड विच इज बीइंग प्लेड इन द सोसाइटी. ये जब फिल्म शुरू होता है तो बहुत ही वास्ट लैंडस्केप आपको नजर आएगा फिल्म में, और एक बहुत ऊंची सी कटीली तारे नजर आएंगे जिसने कवर कर लिया पूरा. एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है और एक एक कोने में सिमटा हुआ एक गांव जिसकी सारी हदें उनके तरफ चली गई हैं, और दूर मोटरसाइकिल पे 10-12-15 लोग एकदम छोटे से ऐसे दिखते हुए वो धूल उड़ाते हुए गाँव की सड़कों में होता है, वो चले जा रहे हैं. और धीरे 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 ये सॉन्ग चिड़ियों के चहचहाट के बीच से निकल के आता है कि माया ठगनी, यही गाना है. ओपनिंग क्रेडिट से शुरू होता है, ओपनिंग क्रेडिट से ही ये गाना शुरू होता है. एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, एक दो एक्चुअली, एक ठुमरी है और एक सेमी क्लासिकल है. बाकी जनरली क्या है कि कोई भी गाना फोक है, फोक तो प्रभावित रहता ही है क्लासिकल, तो इसमें फिल्म के अंदर में 12 गाने हैं और सभी गाने इंट्रिंजिक हैं, मतलब वो एक नया डिमेंशन दे रहे हैं. और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है उन गानों को, क्योंकि चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे चेस सीन हो, चाहे एक अजीबो गरीब फार्स जहाँ देख रहे हैं कि एक बाजार लूटा जा रहा है, लूटने वाले लोग भी मिले हुए हैं, उनके साथ पुलिस भी मिली हुई है, लोग भी मिले हुए हैं और पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं और सारे लोग मिले हुए हैं, सब मिल करके मतलब किस तरह का एक ड्रामा खेल रहे हैं. द ट्रेलर इटसेल्फ, द रिस्पॉन्स द ट्रेलर इज वेरी वेरी गुड. सो मतलब मेरा तो अपना अच्छा ही, लेकिन इनका ज़्यादा हो रहा है कुछ थोड़ा सा. मेरे सारे दोस्त लोग सब लोग यही कह रहे हैं कि यार झा साहब बहुत सही दिख रहे हैं. प्रकाश जी, आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं? आपने एक्टिंग की है, काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है आपका, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं? अरे मैं तो सबसे जूनियर एक्टर हूँ यार सेट के ऊपर में, मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेंगे. ये प्रकाशा तो थोड़ी है, प्रकाशा के छोटे भाई है. ये मुझे तो कोई भी, जितने भी एक्टर सेट के ऊपर थे, दे नेवर फॉरगॉट टू लेट मी नो दैट आई वाज द जूनियर मोस्ट. प्रियंका चोपड़ा बता देती थी आप डायरेक्टर कहीं और के होंगे, लेकिन आप एक्टर जूनियर है तो समझ के पेश आई. और ये भाई साहब, ये तो हक्की वक्की घुमा के मुझे सिखाते थे एक्टिंग. तो मैं सबसे सीखा, सबसे सबकी मैंने सुनी और काम किया. काम बहुत मज़ा आया करने में. और अभी तो ट्रेलर देखा, फिल्म देखने के बाद बात करेंगे ना. एक चीज़ और, क्या आपका जो रोल है इस फिल्म में, आपने किसी और एक्टर को कंसिडर किया था या आपने फिल्म के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं जजिंग करूँगा? हाँ, मैंने एक एक्टर के बारे में सोचा था मगर वो दिवंगत हो गया. मजाक कर रहा था मैं, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा. मैं जब कास्टिंग करता हूँ ना तो एक प्रोसेस नहीं होता कि अच्छा आप कास्टिंग शुरू करते हैं, लिखता रहता हूँ, धीरे धीरे पात्र उभरते रहते हैं. क्योंकि सब कुछ यहाँ का कुछ, वहाँ का कुछ, यहाँ का लेकर के वो एक पात्र जो है, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता हूँ, जैसे बीएन सिंह भोलानाथ सिंह का कैरेक्टर हो, या बबलू पांडे जिसका कैरेक्टर मानो ने प्ले किया, या आभा माथुर जिसका कैरेक्टर प्रियंका ने, ये सब लोग हैं लेकिन कोई एक नहीं है, कई हैं जिनसे बात करते करते, जिनको देखते देखते, और उससे वो मिल करके जुल करके पैदा होते हैं. प्रियंका,
आपको एकदम डेफिनेट डेट और टाइम और फ्लाइट बताऊं? बता देता हूं, ठीक। She is all the time promoting. Today also she has given her interviews on the Skype are already there. She is digitally every time, all the time tweeting. She is all the, what else is promotion? आपके channels के भी सारे interviews कर रही है वो, वहाँ से बैठ करके कर रही है. We are happy that she has been kind of like, you know, offered, she is being offered the kind of job which is, you know, जो सबका dream रहता है. तो we are with her dreams. We are with her as far as that is concerned, and as far as her responsibilities are concerned, she is, you know, doing the best that is possible. Print and media ke interviews kar rahi hai, Hangama ke interview kiya hai, music channels ke interview kar rahi hai, news channels ke interviews kar rahi hai. Yahan rehti to aur kya kar leti? Unfortunately, uniform mein hi hamare film ke andar mein koi dance item number bhi nahi hai ki wo karwate usse. Wo bhi nahi hai. मतलब या तो उसके फायदे की देखें या अपने फायदे की देखें या मिल मिला के दोनों का फायदा हो जाए वो देखें, है ना? आई रेस्पेक्ट हिज सेंटिमेंट. I respect everybody's sentiment. इस देश में सबको अपना अपना विचार रखने की आज़ादी है कि नहीं? तो मैं पूरे आदर के साथ उनके कमेंट को स्वीकार करता हूँ. मैंने फिल्में बना दी हैं, फिल्में अपने आप में परिपूर्ण हैं, वो बात करती हैं, मुझे उनके लिए बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक ही विषय पर दोनों फिल्में हैं. पुलिस और समाज के संबंध इतना ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप है आप कह सकते हो. और गंगाजल और जय गंगाजल टाइटल उसी वजह से रखी गई है कि एक कहिए कि क्राइम फ्री सोसाइटी की परिकल्पना वहाँ भी है और यहाँ भी हमने की है. क्योंकि और दूसरों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि मतलब एक क्राइम मुक्त समाज हो. तो वो एक चीज़ है. बाकी सीक्वल में मेरा अपना मानना है और इंग्लिश डिक्शनरी का भी मानना है कि सीक्वल में या तो पात्र की कहानी बढ़ती है या कहानी जहाँ छोड़ी थी वहाँ से बढ़ती है या ऐसी घटनाओं पर आधारित होती है जो एक जैसी होती हैं. जैसे राज या मर्डर में एक जैसी घटनाओं पर आधारित है, वो यहाँ वो भी नहीं है. वो भागलपुर ब्लाइंडिंग पे के इर्द गिर्द थी और ये इसमें पूरी तरह से दूसरे तरह की घटना है. एक दूसरे तरह का समय है. एक समाज है जो 2003 में था वो 2016 में बहुत बदल गया है. पावर शिफ्ट हुआ है, सेंटर शिफ्ट हुआ है, उसके बारे में ये कहानी है. इसलिए सीक्वल तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ उसी जॉन की फिल्म है ये, है ये तो हमेशा बात रहेगी. ये फिल्म एडिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही अंडरकरंट सब टेक्स्ट कहानी चल रही है. जो मैं कह रहा हूँ उसके अलावे भी एक कहानी चल रही है. कहीं कॉमेडी चल रही है, कहीं कुछ फार्स चल रहा है, कहीं कुछ इस तरह की बात चल रही है, और उसको दिखाना ज़रूरी था, उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी था. तो मेरे मन में ख्याल आया और मैंने इस्तेमाल करके देखना शुरू किया. तो हमारे फोक के वर्ड्स, लेटर्स और जो फ्रेजेस हैं या गाने हैं बड़े खूबसूरती से जमते थे. मैंने फिर सलीम सुलेमान से बात की और हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक आधा रिकॉर्ड करके लगा करके देखा और बहुत मज़ा आया. तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उसमें से 12 ऐसे गाने निकले जो पूर्वी हैं,
जो पहला गाना आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो बता रहा था आपको कि माया ठगनी नाच नचावे ये जमाना आयो रे, डर लागे और हंसी आवे, डर लागे और हंसी आवे, इतनी इतना डर गया हूँ कि हंसी आ रही है, यह जमाना आयो रे। तो इन इन बातों में एक बहुत ही गूढ़ बात है। फोक गाने जो होते हैं वो बहुत कई लेयर्स के बातें कहते हैं और सभी गाने उसी तरह के हैं। और अभी जो फिल्म मिल करके तैयार हुई है उसमें इतनी अच्छी तरह से वो पिरो के आते हैं और गाने अपने आप में सब गाने परिपूर्ण है। जो पहला वाला गाना जो रिलीज़ किया था हमने, पूरब तू भाग चाहे पश्चिम तू भाग ले उत्तर तू भाग चाहे, वो हमने वहाँ इस्तेमाल किया जहाँ प्रियंका एक अंडर ट्रायल क्रिमिनल जो जेल में बम ब्लास्ट करके भागा है उसको उसको पीछा कर रही है, उस पर गाना आता है जी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सारे एक्शंस खुद किए और एक्शन हमारी फिल्म में बड़ा रियलिस्टिक होता है और रियलिस्टिक उतना ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि खुद ही लड़ना पड़ता है। तो कम्प्लीटली फिट थी फॉर मतलब मैरी कॉम के टाइम जो उसने मसल बनाया था वो हमारे काम आ गया। हाँ, एक पंच मारा मुझे। हाँ, वो भी बड़ा सॉफ्ट सा गलती से इधर एक महीने दर्द कर रहा था, मैंने कहा बहुत ही तेज है भाई आपके हाथ। और हमने जो उसको तैयार कराया, खाकी पहनाई, सलूट करना सिखाया और पुलिस ऑफिसर बनाया, पूरी तरह से आईपीएस ऑफिसर बना करके आबा माथुर तैयार किया, उसका फायदा वहाँ मिल रहा है क्वांटिको को। ये अमेरिका हमेशा फायदा उठा लेता है, उठा लेता है। उसकी वजह से वहाँ इतना बढ़िया काम कर रही है हमारी ट्रेनिंग पे। और अभी बेवॉच, अभी बेवॉच में जा रही है। बेवॉच में भी